इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत एक अज्ञात आरोपी द्वारा फिरियादी के घर का दरवाजा तोड़कर 1,90,000 रुपए का मुद्देमाल चुराकर भाग जाने का मामला सामने आया था, जिसके चलते फिरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार 30 तारीख को इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले इमामवाड़ा आइसोलेशन सेंटर के पीछे रहने वाले फिरियादी राहुल भगत उम्र 48 इनके पिता की मृत्यु होने से वो अपने गांव रायपुर यहां गए थे, जिस दरमियान एक अज्ञात चोर ने उनके घर के गेट पर लगे लॉक को तोड़ा और घर में प्रवेश कर बेडरूम में रखे सोने के गहने और कुछ नगद पैसे ऐसे कुल मिलाकर 1,90,000 के माल पर हाथ साफ किया। इस बारे में पुलिस निरीक्षक जयंत गंगाव ने नई अधिक जानकारी साझा की। मी पुलिस निरीक्षक जयंत गंगाव ने क्राइम पुलिस निरीक्षक इमामवाड़ा इमामवाड़ाला काल एक गुन्हा घडलेला आहे। गुन्हा क्रमांक आहे 370/21 कलम आहे 380/457 प्रमाणे नोंद झालेला आहे। त्यातील फिर्यादी श्री राहुल राजेंद्र भगत यांचे आई वडील कोरोना पॉझिटिव्ह असल्याने त्यांचे उपचारासाठी ते गेलेले होते। दिनांक 30/4/21 रोजी रात्री 12 ते सकाळी या दरम्याने ते त्यांच्या घरी नसताना कोणीतरी अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या घराचा दरवाजा कुलूप तोडून घराच्या आतमध्ये प्रवेश करून घरातील साधारण 1,90,000 किमतीचा मुद्देमाल चोरून नेलेला आहे। त्यात सोन्याचे दागिने व 1,25,000 रोख नकद आहे। सदरची घटना ही 30/4/21 रोजी रात्री 12 नंतर ते सकाळी 7 घडलेली आहे। ते घरी नव्हते, परंतु त्याच्या शेजारच्या लोकांनी त्यांना कळवलं की तुमच्या घरात ही घरफोडी झालेली आहे। तसं आम्ही गुन्हा नोंद केलेला आहे। त्याचा तपास सहायक पोलीस निरीक्षक श्री कदम साहेब करत आहेत। इस संदर्भ में पुलिस ने फिरियादी की शिकायत पर मामला दर्ज किया है और पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BC News नागपुर।